आक्रोश मार्च को लेकर के राजद की बैठक की गई, जिनमें विधायक उपस्थित रहे। नगर परिषद नोखा में स्थित नीलकमल टॉकीज में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक किया गया, जिनमें 7 अगस्त को सासाराम में आक्रोश मार्च को लेकर के बैठक की गई। इनमें जागरूकता अभियान चलाने और कई बातों पर चर्चा किया गया। इनमें कहा गया कि 7 अगस्त को सासाराम में आक्रोश मार्च में महंगाई से त्रस्त जनता को बताने के लिए कि सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार गरीब विरोधी सरकार है, क्योंकि यहां पर रसोई गैस से लेकर के दूध और जीवन लक्ष्य दवा पर भी GST लगा करके महंगी कर दी गई है। महंगाई की आग में तप रहे गरीब परिवार भूखे मरने को मजबूर हैं। उज्ज्वला योजना महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। इस बैठक में राजद के नोखा विधायक अनीता देवी ने कहा कि सभी लोग उपस्थित होकर के 7 अगस्त को जनता के महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली में सफल बनाएं। बैठक में कामेश्वर सिंह, विकास कुमार, पिंटू यादव, रवि रंजन कुमार, राधे श्याम सिंह, अनीस कुमार, सुग्रीव सिंह, विद्यासागर सिंह यादव, सुनील दत्त, संजय कुमार सिंह, शत्रुघ्न चौधरी, जगदानंद सहित कई लोग मौजूद रहे। भी खत्म हो गए इनके राज्य में, देश में बेटी सुरक्षित रहेगी, बेटी बचेगी तब पढ़ेगी। आए दिन बलात्कार है, लूट है, मार है, सारा चीज है। और जो 60 साल के ऊपर था, जो भी आरक्षण सीधे जो मिलता था, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे धीरे वन जो पेंशन था वो तो 2004 में ही लागू है। बिहार सरकार जो हमारी मंडी थी सब्सिडी बाजार मंडी, जब नीतीश जी आए 2006 में ही खत्म हो गया। अभी देखिए हमारे किसान बंधु ये 700 मरे, ऊपर प्रधानमंत्री एक दिन भी संवेदना व्यक्त नहीं। ये है बस, अभी हमारे प्रधान राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, बधाई हो। इससे पहले कोविड जी ये जी लोग हैं, केवल किताब हाथ में किताब धरा देते हैं, पन्ना उनके हाथ में है, किताब है हम आपके हाथ में। जो राष्ट्रपति बने हैं चाहे जो भी है प्रधानमंत्री OBC हैं, बस सारा चीज़ RS के हाथ में है, केवल इनके हाथ में किताब है। किताब खाली लेकर आप खड़े रहिए, इसका पन्ना मत उलटिए। इनका यही नीति सिद्धांत है, इनका है गरीब को ही मिटा, गरीबी का नहीं मिटा, गरीब को ही मिटा। कुछ बुजुर्ग हमारे विद्वान ने कहे किसी भी देश पर राज करना है तो उनका स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले। हमारे बिहार में शिक्षा धीरे जैसे ही आए हमारे नीतीश जी, सारा शिक्षा समाप्त हो। आप भी जान रहे हैं कि बिहार की शिक्षा स्थिति क्या है। और स्वास्थ्य अभी आपके यहाँ चल जाइए, बगल में सरकारी अस्पताल है, उसमें अभी साल भर से एक पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं। हम निरीक्षण में गए थे तो कह रहे थे और अन्य दवाई तो दूर गई है, जो रोजमर्रा के सर्दी बुखार का गोली है ये पैरासीटामोल तक। यही है केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका।